तो दोस्तों हम लोग इस समय आ चुके हैं, हाउस बोट पे आ चुके हैं हम लोग, और अपने रूम को देखते हैं कैसा रूम है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। मैं पापा की एक्टिंग कर रही हूँ। किस चीज की एक्टिंग कर रहे हो? जैसे आप बोलते हो तो कहाँ, कौन सी डेस्टिनेशन पे हो? हम लोग अभी हाउस बोट में आ चुके हैं, उस पे एंटर करने जा रहे हैं। ये देखो, ये दोस्तों है झील और ये हमारे हाउस बोट्स हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन सा रूम हमें मिला है। दोस्तों हाउस बोट एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है, यह हमेशा पानी में तैरता रहता है। इस प्रकार के घरों में लकड़ी पर खूबसूरती नकाशी की जाती है। अधिकांश हाउस बोट्स लगभग 80 फुट लंबे हो सकते हैं और साथ ही साथ 3 से 5 रूम हो सकते हैं। कश्मीर की हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी काफ़ी शानदार की जाती है दोस्तों, तो इसे ख़त्म बंद भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने हाउस बोट की ओर। तो ये देखो दोस्तों हाउस बोट्स। तो आज की रात दोस्तों बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि हम एक तैरते हुए घर में रहने वाले हैं जिसे कहते हैं हाउस बोट। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या है। बच्चे शिकारा के पास ये हाउस बोट में बैठकर एंजॉय करते हुए और ये 3 पत्ते खेल रहे हैं और मस्ती करते हुए, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो बारिश होने की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे, तो इसलिए लोग ऐसे एंजॉय। तो ये देखो दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट और कप आ चुका है। दोस्तों हाउस बोट के अंदर किचन जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ये जो है लकड़ी का पूरा घर बना हुआ रहता है पानी में, तो आग लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए किचन इनका जो है बाहर रहता है, वहाँ से ये खाना लाकर जो है हमें परोसते हैं। तो आइए अब हम निकल पड़े हैं डल लेक में घूमने के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये शिकारा है कश्मीर का और ये भैया आए थे हमें चूड़ी बेचने के लिए। हालांकि रेट तो इनके काफ़ी महंगे थे तो इसलिए किसी ने लिया नहीं। और ये शिकारा हमारी है, हम इसमें अभी घूमेंगे। और आप सामने देख सकते हैं वो सारे हाउस बोट्स हैं और उधर भी वो देखो आपके हाउस बोट्स हैं सारे। तो हमें तो जो है इस टाइप का हाउस बोट मिला, लेकिन आप लोग भी जब आए ना तो वो इस तरह का ले जिसका फेस जो है वो टूवर्ड्स झील हो, तो वो ज़्यादा अच्छा व्यू आपका मिलेगा। हमें जो मिला वो इस टाइप का मिला, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें उतना अंदाज़ा नहीं था। हाँ, लेकिन उसका कॉस्ट जो है दोस्तों वो महंगा है। तो ये देखिए लोगों शिकारे में मस्ती करते हुए हमारे भूरे भाई ईशानी, सबकी नानी जो कि ये बड़ी ईशानी, ये उधर सारे हैं और ये मस्ती। अच्छा आप अपना सामान भी ले जा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, ओके। ओहो मुस्कुराइए आप लोग डल लेक में। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आप लोग को डल झील में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बस कुछ सारी परेशानियाँ दूर हो गई आप लोग की। हाँ, ठीक। दोस्तों अगर आप डल लेक में रुकना चाहते हैं तो जो प्राइम लोकेशन है वो 4 से 8 नंबर घाट है प्राइम लोकेशन। उसके अलावा जैसे ही जैसे आप डल लेक से दूर होते चले जाएंगे, वहाँ का कॉस्ट जो है रहने का एक नाइट का वो कम हो जाएगा। तो सबसे कम जो है दोस्तों वो है 2500 रुपये एक नाइट का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोस्तों ये कश्मीर का डल लेक है और हम लोग यहाँ पे शिकारा के लिए आए थे, घाट नंबर 13। और घाट 13 पे हम बैठे हैं, शिकारा बुक हो गई है हमारी और वो सामने आप हाउस बोट देख रहे हैं। हम लोग को 1 घंटे का टाइम मिला है, इसमें आधे घंटे जो है हम शिकारा राइड करेंगे और आधे घंटे डल लेक की शॉपिंग करेंगे। डल लेक की शॉपिंग समझ गए हैं आप? नहीं समझे? डल लेक में चलता फिरता शिकारे में जो है शॉपिंग सेंटर है, तो हम लोग उसमें शॉपिंग करेंगे। तो आइए, ये देखिए हमारे पड़ोसी हैं और ये उनको माला बेचते हुए, सामान बेचते हुए, तो ये सामान बिकर रहा है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कई है यहाँ पे हाउस बोट, और इस हाउस बोट का नाम है मुमताज महल और इस हाउस बोट का नाम है रॉयल मुमताज। हम लोग किस में घूम रहे हैं? हम लोग घूम रहे हैं
झील में, और झील का नाम है डल, और डल में हम जो है शिकारा। दोस्तों जब आप डल लेक में घूम रहे होंगे तो आपको कई दूसरे बोट्स आपके पास आएंगे, जिसमें जो है आपको दूसरे बोट वाले खाने पीने का सामान, ये सजाने का सामान, शॉल, कंबल और डेकोरेशन का आइटम जो है वो सेल करते रहते हैं। आप अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग बार्गेनिंग करके आप इनसे सामान खरीद सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाता है, काफ़ी कुछ मिल जाता है। लगता है कि एक चलता फिरता बाज़ार घूम रहा है झील में। तो दोस्तों इस समय हम लोग डल लेक के मीना बाज़ार में आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, शॉल, साड़ी, ड्राई फ्रूट, जैकेट, टोपी। तो जिसको लेना हो तो यहाँ आ सकते हैं। देखिए फोटो सेशन कर रहा है आर्यन हमारा, और ये देखिए कितनी प्यारी बोट आते हुए, और बोट में कितने अच्छे कपल। तो हेलो बोलेंगे सर। और यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आएँ और शॉपिंग करें। ये हमारा छोटा बेटा है ना, तो दोस्तों ये कश्मीर का ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है? हम लोग अच्छा। तो दोस्तों आप लोगों को कश्मीर कैसा लगा और ये डल लेक कैसा लगा जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया है? अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए रहिए हमारे साथ, और चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, क्या है नाम? राइडर ऑफ काशी। और अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये जुल्म कर रहे हैं हमारे पे, तो ये जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसा जुल्म ना करें दोस्तों, अपना प्यार दे मुझे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं। तो जो है घट घट का वासी, उसे क्या कहते हैं दिशना? राइडर ऑफ काशी। क्या कहते हैं? राइडर ऑफ काशी। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। आ जाओ।